तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान को लेकर एसआरके अब फुल एक्टिव हो चुके हैं। जी दोस्तों, रोज कुछ ना कुछ अपडेट अब लगातार मिल रही है हमको जवान से रिलेटेड, और जवान का ट्रेलर भी अब हमको 4 से 5 दिन के अंदर में अंदर देखने को मिलने ही वाला है। जी दोस्तों, बात करेंगे ट्रेलर कब आ सकता है ऑफिशियली, और ये न्यूज जो मैं डिलीवर करने वाला हूँ कितनी सच है कितनी नहीं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे दोस्तों एडवांस बुकिंग में जो कमाल कर रही है जवान। हालांकि अभी पूरे 17 दिन बचे हैं मूवी रिलीज को, लेकिन भाई साहब ओवरसीज में बुकिंग जोरों पर चल रही है। जब दोस्तों यूएसए में सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है लाइक पठान, क्योंकि जब पठान का डे वन का जो कलेक्शन आया था सिर्फ यूएसए से आधी रकम आई थी ओवरसीज की। जब दोस्तों इसी के साथ यूएई तो अपना अड्डा है ही एसआरके का, वहाँ तो जो हाउसफुल चल रहे हैं भाई साहब लगातार, जैसे ही ओपनिंग हो रही है सो एकदम फुल हो रहे हैं विद इन आवर। पठान से भी ज़्यादा सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिला है इस बार यूएई में। जहाँ दोस्तों अभी से काफ़ी शो हाउसफुल कर चुकी है जवान यूएई में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, और भी कुछ जो बड़े बड़े देश हैं। और इसी के साथ जैसे पिछली बार 100 कंट्री के अराउंड में मूवी को रिलीज कराया गया था पठान को, एसआरके की पठान को, इस बार तो 100 से भी ज़्यादा देशों पर जवान की बुकिंग ओपन करी गई है। इसी के साथ दोस्तों जवान इस बार दबा के प्रमोशन करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आ रहा है 15 दिन लगातार प्रमोशन चलेगा टिल रिलीज डेट तक, और सबसे ज़्यादा टारगेट करा जा रहा है साउथ ऑडियंस को, क्योंकि हिंदी ऑडियंस तो अपनी है ही। जब पठान आई थी तब साउथ से बहुत कम रेस्पॉन्स देखने को मिला था, बस इस बार एसआरके वही गलती सुधारना चाहते हैं और साउथ को टारगेट कर रखा है जबरदस्त तरीके से। क्योंकि एक इवेंट भी होना है साउथ में जब जवान का फाइनल ट्रेलर रिलीज होगा, जिस दिन बिग स्क्रीन में वो ट्रेलर रिलीज करा जाना है, जिसमें काफी बड़े बड़े गेस्ट भी बुलाए जाएंगे, जिसमें से थालापति विजय एक चेहरा है। दोस्तों पिछली बार पठान को बिल्कुल 0 प्रमोशन के साथ रिलीज कराया गया था, लेकिन रेस्पॉन्स जो है सॉलिड मिला था। पहले दिन 100 करोड़ की कमाई से ऊपर करा था पठान ने, और टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ से ऊपर। तो इस बार जो 15 दिन पहले से ही जो प्रमोशन करना चाहते हैं, इस बार मुझे लग रहा है ये आंकड़ा जो 1000 करोड़ का है वो एक सॉलिड विजन के साथ 1500 करोड़ के ऊपर ले जाना चाहते हैं एसआरके जवान के साथ। इसी के साथ दोस्तों फाइनल ट्रेलर के लिए बहुत खलबली मच रही है फैंस में। क्यों? क्योंकि प्रीव्यू जब आया था अमेजिंग था, सॉलिड था, तो अब लोगों का एक्साइटमेंट भी हो रहा है कि ट्रेलर में आखिर ऐसा क्या क्या मिलने वाला है हम लोगों को। या दोस्तों अब इंतजार की घड़ी खत्म, क्योंकि 24 या 25 अगस्त को फाइनल ट्रेलर आ जाना है गारंटीड, क्योंकि जो ऑथेंटिक सोर्स हैं वहाँ से ये न्यूज़ रिवील हो रही है जो एसआरके को 24/7 ट्रैक करते हैं। या दोस्तों और ये इवेंट फाइनल ट्रेलर का चेन्नई में सेट करा जा रहा है, जब ऑफिशियल ट्रेलर हमको मिल जाएगा तो दिल थाम के बैठ जाओ, बस कुछ दिन का इंतजार और ट्रेलर आने वाला है। तो आप लोगों को कितना एक्साइटमेंट है ट्रेलर का, और क्या पठान से बढ़कर निकलेगी जवान? हाँ या ना, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।